अब एक प्रसंग आता है जब पांडव अज्ञातवास में थे, जो भीम था उसको रसोईया बनाया था आपने, तो उसमें सीन आता है कि रसोई में बैठा बैठा भीम हस्तिनापुर को याद करके और अपने परिवार और अपनी सुविधा को याद करके रो रहा होता है। तो नकुल सहदेव बैठे होते हैं, उसी समय सहदेव पूछ लेता है, भैया भीम क्यों रो रहे हो, क्या आप दुखी हो रहे हो, आपको किसी कोई बात याद आ गई? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले नहीं नहीं वो प्याज काट रहा हूं ना, इसीलिए थोड़ा सा आंखों में आंसू आ रहा है। पूरी महाभारत में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, और सामान्य लोग इसी को बहुत बड़ा रेफरेंस समझ सकते हैं कि भैया बताइए भीम काट रहा था तो खा भी रहा होगा तो हम भी खा सकते हैं। और फिर उसके बाद आज के समय में तो एक ट्रेंड ही आ गया है, कोई भी सीरियल बनाओ, पिक्चर बनाओ, और नई चीज वेब सीरीज भी आ गई हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत धार्मिक विषय को इधर उधर कर दो तो वो बहुत आसान होता है फिर उस चीज को पॉपुलर करना, और सब लोग देखेंगे, उनकी TRP बढ़ जाएगी। इस सब पर विचार होना चाहिए। जैसे एक विधिवत बेंच है जिसके द्वारा अप्रूवल होने के बाद ही आप कोई फिल्म लॉन्च कर सकते हो, इस प्रकार का विधान आना चाहिए कि इस भारतवर्ष में कोई भी धर्म संबंधित सीरीज हो तो कम से कम एक ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा उसका प्रमाण पत्र तो लेना चाहिए। कोई परंपरा संप्रदाय का आचार्य हो जिसको सब लोग अपनी सहमति से नियुक्त करें, वो कौन हो मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता,